जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये वीडियो में कुछ विषय पे बात करबे, नियम लागू। आज अगर समाज कहल गया कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो, जब तक जिंदा है दादा तब तक लोग निंदा कर, तो कतनो अच्छा काम का है नहीं कर। तो सही खातिर अगर केव साथी सब हैं और तोनी अगर अच्छा काम कर रहे हैं समाज के हित में, लोग के हित में, तो ईटा ना सोचिए कि तोर तारीफे कर, तो टांगो खींचे पारी, तो ईटा खातिर बुरा ना मानिए। कहावते है कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो। यदि तोरा कोशिश करना हो कि भाई हमें अच्छा लगे कि ना लगे, तो मोर के देखिए लोग तारीफ कर, तो मोर जी कहता रहे लड़का बेसी हलो, गिदरिया बेसी हलो, लेकिन जब तक जिंदा है लोग एक दो लोग छिटा कसी करते। तो ओकरे क्रम में कल हमारे हम पहला बात हमें कभी जो ट्रोल करे ओकर उत्तर नहीं दिए। हम जाना है ओकर बुद्धि की है, ओकर मानसिकता ही है, तोरा तोर से घृणा करना, तोर से ईर्ष्या करना, तो कोई दिक्कत, हम ओकरो प्रेम दिया, ओकरो हम सम्मान करके कहे कि वो आंदोलन कर लो, बढ़िया लोग लगो। लेकिन हमारे दो चार गो भाई सब में पर्सनल हमारा कहलो कि कोई हमें जो अपन वीडियो में बहुत सारा तरह के बात कहते रहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हम हमेशा कह रही हूँ कि हमें एक इंसान लगे, अगर सब कुछ हम कहते रहियो जगरा तो अगर आभास कराए तो, लेकिन हमारे गलती हो तो हमें हमेशा कह लिए हमें क्षमा याचना कर लेबो। तो सबसे पहले बात हम एगो कह दियो कि हमारे एगो स्पीच में दे लियो गोदना के लेके, तो हमारे एगो भाई हो मनीष बाबू, बहुत प्यार से कहलो दादा अगर में शायद कुछ और भी कानून हो, मैंने कुछ और भी परंपरा हो, तो ईटा के बारे हमने क्लियर ना जाने हैं, तो ईटा की बात हम नहीं रखी। हम बहुत प्यार से कहिए, हमारे छोटे लगे, लेकिन फिर भी हम सम्मान करे थे कि नॉलेज है। तो अगला बार से हमें गोदना टी अपन भाषा में प्रयोग नहीं कर लगली, क्या ओकर कहना कि कुछ अगर अलग भी थी यहाँ से तो हमें कुछ और जाना लियो, बोटा हमें खत्म कर दिलिए। फिर के बाद हमें इस शब्द टिक प्रयोग कर लियो कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, देखो मेरे को बलियापुर के दीदी वो कहो नुनो तो ऐसा बात ना है रे, इटी तनी हो सकल दूसरे आदमी के ठेस पहुंचो, तो हमें ऑटो में कहली दीदी कोई बात ना है, इटी हम अपन स्पीच में आपको प्रयोग ना करबे। उस दिन से हमें मैंने अपन कहावत टीओ बंद कर दिलियो, गोदनाटियो बंद कर दिलियो, क्या मनीष दा में कहलो मनीष भाई में हमारे कि दादा ईटा के कुछ आर भी इतिहास आओ, तो कहले हमें खुद जानकारी ना हो तो आगू से ना कहबे। अब बांझ न किया जाने प्रसव की पीड़ा ऑटो में लगभग 15-20-25 को सभा में कह लिए, तो दीदी में कहले हमारा बलियापुर के लगे कि बाबू ईटा में मैंने ना कही है अभी, तो हम कहे दीदी ठीक आओ हम सबके अगर हम जाना है कि एगो बात के दो दो अर्थ तीन अर्थ हो जाए तो हमें ना कहो पास अभी देखी वो एगो शब्द हम कहते रहो कि लेलभाग बहुत सबके भौजी, तो भाई ईटा हजार साल पहले कहावत लगो और दो चार गो आदमी खेर जे लोग गए ईटा के मैंने र्यूमर उड़ा लो उगला, तो ऑटोमेटिक हमें अच्छा भी कहो तो अखनी ईर्ष्यापूर्ण लोग कहते रहो और खातिर अखनी आज रीजन की है, अखनी अगर लोग अखनी के ना सुने कारण है टेक अखनी प्रेम अखनी जोड़े के ना अखनी तोड़े के यार लोग से ईर्ष्या के चक्कर में उठा के बात करते, लेकिन हम अखनी से फिर भी प्रेम के भाव रखा है, हम अखनी का फिर भी सम्मान करे दो तीन हो, लेकिन हम ईटा खातिर अब उत्तर देगा कि हमें हमारा तो वैसे भी हम ट्रोलर के बात के उत्तर ना देते रहे, लेकिन हमारे दो तीन गो अपन लोग आओ दीदी सब अलो उन्होंने छोड़ दी बात की हम ना कही है लो के झूठ मुठ के अपनी बुझो ना सूझो और थोड़ा ट्रोल करो हो, तो दीदी सब में हमारा पर्सनल मैसेज कर ना कहते रहे कि ललभाग बहुत सबके भौजी, तो ईटा के अलग अर्थ है ठीक हो, ईटा कुड़माली भाषा का शब्द लगा, पहला बात जन लोग गिला ईटा ट्रोल कर लो ना अखनी हमारा पता कि कुड़माली जानो कि ना जानो अखनी ट्रोल कर लो, ओकरो में दिक्कत ना है। कोई दीदी के अगर मैसेज कर ले तो दीदी ठीक है हम साथ कर, खासकर हमें अगर यहाँ वीडियो टी हमारे सुनते हो केवट भाई तो बेरमो के हमारे को भाई हो अगर वो सुन रहा हो तो अखनी से निवेदन होते दीदी टी के सुनाई दी है वीडियो टी, जितेंद्र दा हो बोकारो वाला जितेंद्र दा बोकारो भंडरो के जितेंद्र दा अगर तुम वीडियो टी हमारे सुने हैं तो तुम दीदी के सुनाई दिए मैंने लिखा ललो और हम सम्मान करिए और हमें की कर ली कि ललवा वो सबके बोझी, तो हमें तो सुझाव भी देते रहे हो कि ललवा रहो चाहे सियान रहो जकर संबंध में रहो ओकर होना चाहिए, तो निवेदन रहो ऐसा कोनो बात ना हो, हमनी हमेशा नारी सम्मान के प्रतीक लागिए, अगर ककरो उठा से आपत्ति हलै माने भावना आहत भेलै तो क्षमा चाहिए, हमें क्षमा चाहिए और खास कर चुकी एगो दीदी में पोस्ट कर ललै, हालांकि हमरा बुझाओ दीदी टियो कुड़माली भाषा के शब्द जानो कि ना ठीक से, अगर जानो तो अच्छा बात है, ना जाने ताव दीदी तोरा एटे संदेश देबो ऐसा बात ना है, हमनी के मकसद ककरो ठेस पहुँचाना ना है, उ शब्द टी हमनी के यहाँ लोक कथा में प्रचलन है कि ललभाग बहुत सबके भौजी, तो हमें सुझाव भी तो दे कि ईटा काहे होना चाहिए भाई, लेलवा रो चाहे सियान रो वो रिश्ता में जकर भौजी लगे तकरे रहते, हम तो सुधार के बात करियो, जे कहावत की कहल जाओ उठा के हम कह के और देख जे गलत वर्ड रहो चाहे सही वर्ड रहो, गलत वर्ड रहो तो अगर एक्सप्लेन नहीं करबी तो सुधार कैसे बेतो, गलती के भी अगर सुधार करना हो तो एक्सप्लेन करबी, तो हम एक्सप्लेन करके सुधार में अपन पक्ष रखियो, तो से खातिर दादा सब वीडियो ठीक क्या कहते मकसद लो, अरे देख दो चार आदमी अपन हम अखनी कटे कभी कम से कम दिमाग बढ़वा लॉजिक के बात करा, एक में लॉजिक है इटा जन भाषा के शब्द लगे वो भाषा के लोग कभी आपत्ति नहीं कर लगे, अखनी जाना है ये हजार साल पहले के वर्ड लगे इटा के हम आज के परिवेश में उदाहरण दे, लेकिन फिर भी अगर ककरो ठेस पहुँचल तो अखनी से हम क्षमा चाहबे, और बाकी जन लोग गए तो कमेंट करो ट्रोल ना, अखनी हम यदि अच्छा भी कहो ना तो अखनी गलत सोच दो,
अखनी ठानी लला अपन दिल में बैसा लला कि जयराम के देखे ना पा रही हूँ हमनी, पता नहीं अखनी कारण की लगो, जबकि हम अखनी हमेशा सम्मान कर रही अखनी ठानी लला कि जयराम हाँ पहले लॉक टाइम जाए कर लो देखी जही जाए तो एकाए कर रो बात थी जखन देख ले लोके सुने नहीं लगे कहे सुनतो भाई ककरो क्रिटिसाइज करबे तो कहे सुनतो अभी तर्क ना होता ठीक तखन दू चार गो दोस्त से अब करबे लागलो पोस्ट इटक लग गए ठीक हो तो सेटा कोनो बात ना फिर भी ओकरा हम प्रेम करे भाई जे हमर से घृणा भी करे ओकरा हम प्रेम दिए क्या हम नेल्सन मंडेला के पढ़ा लिए कि आँख के बदले आँख नहीं मांगा जाता है, आँख के बदले आँख नहीं मांगा जाता है। मार्टिन लूथर किंग में कहा है कि नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। तो सैनिक अगर वो हमारे से नफरत करे फिर भी हमारा गिला सिखवाना है, वो हमारा गाड़ी दे कोई दिक्कत ना है। लेकिन चूंकि अब स्त्री मामला बीच में ले आने खींच के तो हम कहना चाहे अगर ककरो ठेस पहुंच ले तो अखनी के नमन करिए वंदन करिए। और अगर सभी ने हमारा सुझाव देते तो अगला स्पीच में डिनाई रख, वैसे भी हम दू गो स्पीच अपन बदल रही गोदना वाला स्पीच टीम बदल दिलिए क्या बलियापुर के मनीष बाबू हमारा कले दादा इटा के जानकारी तोरो ठीन शायद ना हो और हमरो ठीन ना हो तो इटा में एक अलग इतिहास है तो हम बदल दिले स्पीच यार कभी नहीं कहते रहे। दीदी हले बलियापुर के ओहो कहले कि नहीं नो नो स्पीच टी दून नियर मीनिंग हाओ मांझ ना जाने प्रसव की पीड़ा टी तो ककरो आ ठेस पहुंचो तो वो स्पीच टी उसे दिन से हम बदल दिले क्या हम पहले कहे हम क्षमाशीलता के साथ चले अगर हमारा गलती का आवाज बताओ तो हम क्षमा मांगबो उटा कोई हमें सिकंदर के देख लिए वो खाली हाथ चली गए दुनिया के जीते वाला तो ऐसा कोनो बात ना है। तो हटा खातिर हटे कबो जे इटी खातिर दू चिन्ह हमें अभी तक कुछ नहीं कह रही इटा तो एक महीना से दू चार गो जे ईर्ष्या करे वाला व्यक्ति हतुन अखनी ये बात टी के प्रचार कर रहा लेकिन देख लिया अब दू तीन गो स्त्री को अखनी सहारा लिए लगल तो अखनी के हम सीधा संबंध दीदी गिला के निवेदन करबो ऐसा कोनो बात ना हो अगर इटा से दिक्कत आए तो हमें उटा खातिर क्षमा चाहबो और क्षमा मांगा हो आइंदा से अमोनिटी नहीं कहबे लेकिन जहाँ तक एक तय करे तो इट जन समाज और जन भाषा के शब्द लगे अखनी आपत्ति अभी तक नहीं कर रहा है। ये शब्द टी जे कहावत टी हलै उटी शुद्ध रूप से कुड़माली भाषा के शब्द लगे हुआ लोके आज तक आपत्ति नहीं करल है क्योंकि इटी लगे आर सब बड़ा खुशी के बात है कि हमें लगभग औसत 90 मिनट भाषण देते रहिए 90 यानी 9 6 54 5 5400 सेकेंड हम भाषण दे ओकर में कि हमारे 20 सेकेंड देखो क्रिटिसाइज कर ले तो मैंने एगो विचित्र बात हो चल ठीक है अगर अखनी के हमारे 20 सेकेंड टी क्रिटिसाइज करेगा चल देख तो रहा है कम से कम जबकि हमें औसत 90 मिनट यानी 9 6 54 5400 सेकेंड हम लगातार भाषण दिए 5400 सेकेंड में छोड़ के अपनी 30 सेकेंड का ध्यान दो और अभी टी सभी समर्थन कर रहा है इटा आज तक क्यों नहीं कह रहा लेकिन हाँ दो चार आदमी माने जकरा भाई हमनी से पसंद ना लगा नियम लगो देश में भगत सिंह के लोग पसंद नहीं कर रहे नेताजी बोस के नहीं पसंद कर ले तो हमने तो छोटे किधर लगी तो दो चार आदमी है अखनी खातिर हम बुरा नहीं माने लेकिन हमें इटा आज ही खातिर कह लियो कि आज अखने को स्त्री का सहारा ले लो। अरे दादा कुछ लोग ट्रोल करेंगे उसके लिए दिक्कत नहीं कीजिए चूंकि अखनी अगर स्त्री के सहारा ले लो तो हमें वो स्पेशल हम पहले कर ली कि हजार को पुरुष नाखुश बजते उठा से हमारा दुख ना है लेकिन अगर एक स्त्री में भी अगर हमारा कुछ कहते तो हम ओकरा उत्तर और ओकरा सम्मान करे ओकरा निवेदन करे तो वो दीदी के क्योंकि जितेंद्र भाई बोकारो वाला आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो चूंकि आप हमको पोस्ट किए थे व्हाट्सएप में कि उनका राय को लेकर तो उनको कहिएगा कि अगर उनको हर्ट हुआ चाहे किसी और को भी हुआ तो हम क्षमा चाहते हैं और प्रयास करेंगे इस शब्द का इस मुहावरे का भाई प्रयोग ना करेंगे हम कोई दिक्कत नहीं है हम हमेशा सबको लेके चलते हैं हम माटी का है लेकिन हाँ अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे ना तो उन लोग दूसरा चीज उठा लेगा जो लोग ईर्ष्यालु लोग हैं वे लोग अब दूसरा चीज को उठा लेंगे कि इटा गलत आओ लेकिन याद रखिए धीरज रखिए मेरा जो भी बात हम रखते हैं वो लॉजिक के साथ रखते हैं तो इसलिए ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात जब स्त्री का बात आया है ना तो उन थोड़ा सा मंद बुद्धि कहेंगे कि उन लोग का बुद्धि नहीं है अपना उन लोग को ईर्ष्या इस बात का है ना कि जयराम को पब्लिक चाहने क्यों लगी है अमित हम इग्नोर कर देवे लेकिन आज चूंकि स्त्री के माध्यम से आए पोस्ट तो स्त्री लगे ओकरा हम सम्मान करे ओकरा हम नमन करे ओकरा वंदन करे और आज से ये लोग गिलाए हमरा की सुनते रहे सीखते है आज ना जरा महतो के लोग जाना है मानव श्रृंखला और जे के भाषा आंदोलन से पहले ओकर से पहलू हमार कुछ जिंदगी हल हम तनी बताए दे तो नहीं के उगला को उतना बुद्धि में आटते नहीं रही जितना हमें छोटे से बुद्धि आए जन लोग गिलाए अखनी नोक चुल बढ़ा लेना है तेरे दिमाग टीओ बढ़ाई चाहे भाई सब तो हमें तोरा को कहानी बताए दे हमें 10वां क्लास में हलिए 10th क्लास में हम क्रिकेट खेले गए ललिए ठीक हो हम जब क्रिकेट खेले गए ललिए तो हुआ कि भले एगो स्त्री के ओकर सास में बहुत गायर दे हले ओकर पति में भी एक दो चार टा कुछ भी भेल हले तो हमें साइकिल टी डणा के चापा कल पानी पी हली दोसर गांव लगले अखनी के पूछ लिए कि हाँ गो महिला टी के तोनी काहे तोनी ऐसा कर ली ना रियल आईडी है डीके महतोदा एक महापुरुष है रियल आईडी तो तो हम कहे तोहनी स्त्री टी काहे टॉर्चर कर रही तो ओकरे में से बीच में केहू कहला है कि अगर लड़की सिर्फ भेला है तो सही खातिर घर के लोग धमकाए रहा है कि अगर सिर्फ लड़की भेला है बेटी है खाली भेला है तो हमें सीधा कहे कि यार तोहनी गांव टाइम के पढ़ल लिखल ना है कि
तो सोभिन चुप भई गेले कि तू ऐसा कहा कि पढ़ल लिखल ना है। हम कहली यदि तोहनी पढ़ल लिखल गाँव टाइम आहे तो तोहनी के आठवें क्लास में गुणसूत्र चैप्टर पढ़ल अबे वहाँ स्पष्ट लिखल है कि स्त्री के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुष के पास एक्स वाई गुणसूत्र होता है, पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिलता है तो स्त्री जन्म लेती है। अच्छा मारांग घूम के की भी जयंती लगे ओकरो नमन करबे और ओ दिनो तो बढ़िया कार्यक्रम भेवा है तोर जाके रन फॉर खतियान। तो हम की कहलिए कि एक्स एक्स यानी स्त्री के एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है तो स्त्री बहते, पुरुष के वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है तो पुरुष बहते। एक माने की विज्ञान तो साफ साफ कह रहा है कि एक स्त्री दोषी नहीं है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, वो पुरुष का गुणसूत्र डिसाइड करता है। तो बात को तो हम दसवां क्लास के लिए तखन हम स्त्री खातिर लड़ गए जबकि पूरा गाँव में क्यों नहीं समझो पार लल सब चुप भ गल तो खातिर अगर ऐसा बात हो तो भाई पहले हमारा इतिहास भूगोल जान ले दादा और तोनी तो खैर हम जानी आज के वीडियो को बाद अखनी दोसर नुक्स निकाले लग दो। हम यदि आज ये बात की कह दिली कि भाई हमें अगर ठेस पहुंचल तो क्षमा मांगा हो एकरो बाद अखनी नया नुक्स खोज तो लेकिन अखनी से हमारा ना जाना है। हम पहले कह दिले 1000 ट्रोलर के हम कभी उत्तर नहीं देवो, 1 लाख ट्रोलर भी अगर है तो हम उत्तर नहीं देवो, लेकिन अगर एक स्त्री के अगर तकलीफ पहुंचते तो हम जरूर उत्तर देवो और हम क्योंकि हम सम्मान करते रहियो। आज ना तो नहीं है इतना दिन दादा हम दसवां क्लास में हलिए तखन पूरा गाँव के हिलाई दिलिए कि तुम स्त्री कैसे मार दिली एकर दोष ना हो बेटी भेलो सेटा क्योंकि विज्ञान गुणसूत्र की कहा है एक्स एक्स यानी लड़की एक्स वाई यानी लड़का तो इटा ककर पे डिपेंड है पुरुष पे क्योंकि पुरुष यहाँ एक्स वाई अलग अलग गुणसूत्र है स्त्री यहाँ तो एक ही गुणसूत्र है एक्स एक्स तो ओकर कहाँ दोष है भाई ना अमित दादा चूंकि अगर स्त्री में कमेंट कर लेना तो ओकरा उत्तर देना है जबकि हमारा बुझा है वो दीदी टी शायद भाषा टी के ठीक से इस मैंने जानो हो कि ना जानो लेकिन फिर भी उत्तर देना उत्तर है ओकर सम्मान हम करिए। वो हमारे से अगर हमारा डायरेक्ट फोनो करते ले तो अच्छा लेकिन वो सोशल साइट में लिख दे ले तो फिर भी दीदी हम तोर सम्मान करे हो तोरा नमन करे हो वंदन करे हो और हम नाम नहीं जाने का कि हमारा स्क्रीन शॉट देखा लो जितेंद्र दार हमारे को साथी हो बेरमो के हमारे छोटे भाई हो गौतम केवट। तो गौतम केवट बाबू यदि तुम सुने हैं वीडियो टी तो तोर से निवेदन हो तो दीदी टी के प्रेषित कर दिए कि अगर भावना के ठेस पहुँच ले तो हम माफी क्षमा चाहिए और कोशिश करवे कि मैंने अपन आने वाला सभा में उस शब्द के उस मुहावरा का प्रयोग ना करवे। तो गौतम केवट भाई जितेंद्र बोकारोदा और 2-3 गो साथी हमारा मैसेज कर लो सबके निवेदन करबो कि जगरा अगर कोकरो सेशन आपत्ति भले तो ओकरा हमारी वीडियो टी संदेश कह देवी कि हमारा कोकरो मकसद ना हले इटा को कहावत लगे जनता हमने समाज में हमने गांव घर है बजकल जाए ठीक है। रणविजय दा बिल्कुल इग्नोर है लेकिन चूंकि मामला स्त्री का था इसलिए उनको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारी सच्चाई को थोड़ा सा हम बातों को रख दें। तो जब दसवां क्लास में थे उस समय हम अकेले लड़ता जाइए अभी लगभग 5 साल से हम अपने एक स्कूल में निशुल्क शिक्षा देते हैं वहाँ जब भी हम 9th 10th चाहे जो भी क्लास हो जिस सिर्फ लड़कियों की क्लास है वहाँ जाके हम IPC 294 IPC 509 स्त्री का राइट के बारे में पहले 5 मिनट पढ़ा लेते हैं। आप चाहें तो जाके हमारा जो बगल का विद्यालय है जहाँ से हम 5 साल से फ्री शिक्षा दान देते हैं सरकारी स्कूल है हम फ्री में क्लास लेते हैं वहाँ पूछे किसी भी गर्ल्स स्टूडेंट को कि जब हम क्लास में आए हैं तो हम पढ़ाने से पहले 5 मिनट उनको स्त्रियों के अधिकार के बारे में बाहरी नहीं है वो महापुरुष झारखंडीय है वो आंदोलनकारी खुद को कहते हैं उनके बहुत फॉलोअर हैं उनको पूछेगा कि हम क्लास लेने से पहले विज्ञान या मैथ का चैप्टर या इंग्लिश का चैप्टर खोलने से पहले 5 मिनट हम एक फीमेल्स का राइट 51 के बात करते थे अनुच्छेद 51A तो असमानता का अधिकार स्त्रियों के लिए तो प्रसव के दौरान उन्हें कब छुट्टी का अधिकार है जबकि चैप्टर में नहीं होता था फिर भी हम स्त्रियों को उनका अधिकार का बात करते थे। तो इसलिए अगर किसी को ठेस पहुंचा दादा दादा नहीं सॉरी दीदी लोग तो हम क्षमा चाहेंगे उस मुहावरा के लिए लेकिन मुझे यकीन है कि वह कहावत 1000 साल से चल रहा है उसमें हम सुधार की बात कर रहे हैं फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंचा तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और ट्रोलर के लिए कोई उत्तर नहीं हमको ट्रोलर से कोई आपत्ति नहीं है ट्रोलर लोग तो भाई ठान के रखा है कि नियम है ना कि यहाँ का जितना लोग हमको ट्रोल करने में समय गंवा रहे उतना अगर अपना विधायक को ट्रोल करता तो उनको हित में काम होता लेकिन नियम है कि लोग टांग खींचने वाले लोग हमारे समाज में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है आपसे निवेदन है अगर कुछ हमसे भी स्वाभाविक हम इंसान भूल होती है अगर आभास होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। जोहर जय झारखंड जोहर झारखंड और हम प्रयास करेंगे उस मुहावरे का प्रयोग करने से बचेंगे अगर किसी को ठेस पहुंच रही तो और ठेस पहुंची अभी तक तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी है हम माफी चाहेंगे। जय झारखंड जोहर झारखंड।